अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं भाई? रिवीजन कर रहे हैं, पिछला काम दोहरा रहे हैं, आगे का काम भी कर रहे हैं। ये ना हो कि पिछला काम दोहराते जा रहे हैं तो आगे का नया काम भूल गए जो हमने किया था, ये तो नहीं हो रहा ना भाई जी? आगे का काम भी करते जा रहे हैं, पिछला काम भी दोहराते जा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो गए भाई, सारा काम वक्त पे करने लगे हैं, है ना भाई? अच्छा बच्चों, मुझे ये बताइए कि आज हम क्या करें, क्या नया काम करें या फिर पिछला काम दोहराएं, क्या करें बताइए? पिछला काम दोहरा लें? चलिए ठीक है, पिछला काम दोहरा लेते हैं। तो क्या दोहराएं, कौन सी आवाज़ दोहराएं आज हम, कौन सी आवाज़ पढ़ने को दिल चाह रहा है? ऐसा करते हैं कि आज हम अ और ग की आवाज़ को दोहरा लेते हैं, कैसा? ठीक है ना भाई? ऐसा करते हैं कि आज हम अ और ग की आवाज़ को दोहराते हैं, कहीं हम अ और ग की आवाज़ भूल तो नहीं गए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद न भूल रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रिवाइज़ करूँ। आप भी कर लें मेरे साथ रिवाइज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से रिवीजन नहीं किया अ और ग का। तो मुझे करना है रिवीजन, तो आप भी मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए इन आवाज़ों का, कैसा? ये अच्छा आइडिया है भाई। चलें फिर क्या करते हैं, उर्दू की किताब निकालते हैं और यहाँ पे हमारा खुल गया है सफ़ा जी, और सफ़े पे मौजूद अ की मश्क जी, अ की पहचान है, आपकी मश्क करेंगे, आपको पहचानेंगे, समझेंगे, इसकी नज़म भी दोबारा से हम रिवाइज़ करेंगे। अ की नज़म भी भूल गए? ओहो, आप भी भूल गए, आपको याद है? वाह भाई ज़बरदस्त, मैं थोड़ी थोड़ी भूल गई हूँ, तो चले मैं थोड़ी सी रिवाइज़ कर लूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा कि अ की नज़म क्या होती है, ठीक है जी? वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए ज़रा कि इस सफ़े पे सबसे पहले आपने क्या किया था? काम तो कर लिया था, मुझे पता है बिल्कुल आपने काम कर लिया था, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम तो आज क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। तो बताइए इससे सफ़े पे सबसे पहले हमने क्या देखा था? आइकन्स देखे थे, कितने आइकन्स मौजूद हैं भाई? 3 आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन कौन सा था जी? अब तो पहचानने लगे हैं आप आइकन्स को, हाँ, फिंगर रखी है, लाइन्स बनी हुई हैं, क्या मतलब होता है इसका? पढ़िए जी, पहले हमने पढ़ना था, फिर व की आदि शक्ल थी, उसका मतलब क्या था भाई? पेंसिल फेरना, तो पेंसिल तो आप फेर चुके हैं। मानो बिल्ली, और मानो बिल्ली का भी कहना आपने मान लिया था कि आपने रंग भर लिए थे और तारीख भी लिख ली थी जी। चले अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कौन सी आवाज़ है ये भाई, जल्दी से बताइए। अ, वेरी गुड। अ, उकाब, 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 उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब, उकाब की शुरू की आवाज़, उकाब, वेरी गुड। इमारत, 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 इमारत की शुरू की आवाज़, इमारत की शुरू की आवाज़, इमारत, इमारत। अच्छा जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, जो दादी अम्मा लगाती हैं, हाँ दादा जान भी लगाते हैं, क्या भाई? ऐनक, 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 ऐनक की शुरू की आवाज़, ऐनक की शुरू की आवाज़, ऐनक, ऐनक, शाबाश। उकाब, इमारत, ऐनक। की नज़म, नज़म क्या थी भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, शाबाश। ओड़ा, उकाब, डर गई औरत, कि सबसे अलग है सूरत। ओड़ा, उकाब, डर गई औरत, कि सबसे अलग है सूरत जी। तो हमारे पास अ की हमने जो है वो दोबारा से रिवीजन कर लिया। अ की आप यहाँ जो आवाज़ बनी हुई है इस पर आप पेंसिल फेर सकते हैं जी, इसमें अभी इतनी जगह होती है कि आप दोबारा से भी इस पर पेंसिल फेर सकते हैं, कलर पेंसिल फेर सकते हैं, ताकि आपको दोबारा से बनाना भी आ जाए, इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना? चलें अब निकालते हैं ग का सफ़ा जी, यहाँ पे खुल गया है हमारे पास ग का सफ़ा। कौन सी आवाज़ है ग, कौन सी आवाज़ है ग? गुलेल, गुलेल, गुलेल,
लहल की शुरू की आवाज क्या है भाई? ग। शाबाश, गुलेल की शुरू की आवाज ग, गुलेल की शुरू की आवाज ग, गुलेल गुलेल गुलेल। शाबाश गुलेल। अच्छा जी, दूसरा क्या है? गिलाफ, 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 गिलाफ की शुरू की आवाज ग, गिलाफ की शुरू की आवाज ग, गिलाफ की शुरू की आवाज ग, गिलाफ। और कौन सी आवाज़ रह गई है? कौन सी तस्वीर है? पहचानिए जल्दी से, क्या है ये रंग बिरंगे? हाँ, क्या बाहर मिलते हैं ना, आपको अच्छे भी लगते हैं, सालगिरह पे लगे हुए होते हैं आपके घर में, क्या चीज़ है ये? गुब्बारा। वेरी गुड। गुब्बारा, 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 गुब्बारा की शुरू की आवाज़ ग, गुब्बारा की शुरू की आवाज़ ग, गुब्बारा की शुरू की आवाज ग, गुब्बारा। ग गुलेल, ग गुलेल, ग गुलेल। ग गिलाफ, ग गिलाफ, ग गिलाफ। ग गुब्बारा, ग गुब्बारा, ग गुब्बारा। अब जरा मुझे ग की नज़म बता दें कि इस ग की नज़म क्या थी? थोड़ी सी याद है मुझे, मैं अभी भूल गई। आपको याद है? याद है आप लोगों को? जल्दी से बताएं क्या नज़म थी। हाँ, ग से गुलेल और गुब्बारा, नुक्ता इस पर भी एक डाला। ग से गुलेल और गुब्बारा, नुक्ता इस पर भी एक डाला। जी मुझे भी याद आ गई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। भाई आपने मुझे नज़म रिवाइज करा दी, वरना तो मैं भूल गई थी कि नज़म क्या है। कभी कभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ और कभी कभी आप मेरी हेल्प करते हैं, जबी तो हम इतना अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं ना, है ना। चलिए जी। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने नई आवाज़ पढ़ी थी? नहीं भाई, हमने पुरानी आवाज़ पढ़ी थी, क्योंकि आज तो हम रिवीजन कर रहे थे, तो हमने अ और ग का रिवीजन किया था। हमने नज़में भी दोहराई, उनकी तस्वीरों की पहचान की, उनकी शुरू की आवाज़ों की भी पहचान की, हमने पढ़ा उसको। अब आपने क्या करना है? इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, दोबारा से पढ़ना है। मम्मा बाबा के साथ, भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी बैठ के ज़रूर पढ़िएगा इसको। टीचर जब कॉल करेंगी तो टीचर को वॉइस नोट उनका सेंड कर दीजिएगा कि आज हमने रिवीजन किया है, आप भी सुन लीजिए। ठीक है, कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज।